Hey guys, how's the Josh? मैं हूँ चेतन फ्रॉम गेमिंग जोश और ये है वन प्लस नॉर्ड। और काफ़ी लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि वन प्लस नॉर्ड में क्या 60 FPS आ गया है ऑफिशियली पबजी मोबाइल में, इसका काफ़ी लोग पूछ रहे थे और वेट कर रहे थे। जिनके पास नॉर्ड है उनको तो पता ही है, बाकी लोग जो इस फ़ोन को लेने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, उनके लिए ये वीडियो है। बेसिकली ये दिखाने के लिए क्या आपको वन प्लस नॉर्ड में अब 60 FPS मिल रहा है। ये रहे इसके मेजर स्पेसिफिकेशन, जैसे आप देख सकते हैं 90 Hz यहाँ पर इसका रिफ्रेश रेट है, 12 GB 256 GB स्टोरेज का ये टॉप एंड वेरियंट है। मुझे ये नहीं पता कि अब बेस वेरियंट में है या नहीं 60 FPS, बट यहाँ पर अब हम पबजी मोबाइल आपको खोल के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या ग्राफिक सेटिंग्स आपको मिल रही है। सो गाइज, फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि वन प्लस ने यहाँ पर ये काम कर दिया है। फाइनली आपको स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन दे दिया है वन प्लस नॉर्ड में, तो एक बहुत अच्छी बात है। HDR में अल्ट्रा हो सकता है, विच इज़ 40 FPS ऑन HDR, वो भी अच्छी बात है। अल्ट्रा HD तो यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हो। स्मूथ एंड एक्सट्रीम जो सबसे एक ये एक मतलब चीज़ होती है लोगों में कि हाँ मुझे स्मूथ और एक्सट्रीम 60 FPS चाहिए गेम प्ले, तो वन प्लस नॉर्ड में वो फाइनली आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको मैं क्विक गेमिंग दिखाता हूँ। और गाइज़ ये याद रखो गाइज़ कि ये बस एक क्विक डेमो है, मैंने बहुत जल्दी से वीडियो बनाया था, मेरे पास खुद के पास डिवाइस नहीं है तो मैंने डिवाइस मांग के यहाँ पर बनाया वीडियो। तो गेम प्ले आप जज मत कीजिएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। गेम प्ले जज करके भी आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। बस आप यहाँ पर ये देखो कि ग्राफिक्स में क्या कितना फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप हो रहे या नहीं। FPS टेस्ट हम यहाँ पर गेम बेंच लगा कर करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर एक TDM खेलूंगा, उसके बाद सेनहॉक बूटकैम्प करेंगे ड्रॉप, उसके बाद मतलब जॉर्जो पोल में भी हॉट ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे अगर हो सके तो। ये मेरा प्लान था। अब आके यहाँ पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस हो रहा है और FPS में कैसा इसका परफॉर्मेंस है, क्या फ्रेम रेट यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप हो रही है या नहीं। तो गाइस अब यहाँ पर आप देखिए मैंने फ्रेम रेट को ऊपर सेट कर दिया है दिखाने के लिए आपको कि कैसा इसका फ्रेम रेट रहेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं TDM के साथ, और यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा फ़ोन पर, मगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए एक बेटर जजमेंट के लिए ईजी रहता है दिखाने के लिए कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। सिर्फ हैंड कैम के बदले हैंड कैम को भी मैं साइड में रखता हूँ जस्ट फॉर कन्फर्मेशन, ये दिखाने के लिए कि या हम यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड पर ही ये वीडियो बना रहे हैं। और मुझे पहले ही यहाँ पर रहना ट्रेनिंग में किसी और के गेम में डाल दिया है, और चलो ठीक है, देखते हैं अब कैसा इसका परफॉर्मेंस। फ्रेम रेट देखते रहिए, फ्रेम रेट में मुझे तो इनिशियली कुछ ऐसे नहीं लगा कि कभी भी फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, 50 के अबव ही था मैक्सिमम टाइम। और जैसे मैं कह रहा था देखो मर गए, तो आप यहाँ पर गेमिंग मतलब मेरा परफॉर्मेंस छोड़ दो, फ़ोन का परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट और आप वही देखोगे तो अच्छा रहेगा। लेट्स सी अब कैसा है इसका परफॉर्मेंस, आप पहले अरेना ट्रेनिंग देख लीजिए। Cover me. Expired. Dead. Reloading. Enemy down. Cover me. Team is in the lead. Nice shot! Cover me! Kill! Thank you.
यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा लग रहा है कि लैग हो रहा है, बट इट्स नॉट दैट हैवी फ्रेम ड्रॉप्स, काफ़ी सही है। अरेना ट्रेनिंग में इतना दिक्कत अभी तक मुझे नहीं लगा, तो मैं अरेना ट्रेनिंग को पूरा खेलूंगा नहीं और बीच में मैं एग्जिट पे कर देता हूँ और गेम वीडियो को भी एंड करता हूँ, ताकि हम नेक्स्ट चनॉक बूट कैम्प करें, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट देखने के लिए कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। जब बूट कैम्प ड्रॉप करते हो ना तो बंदे भी ज़्यादा आते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसा फ़ोन का परफॉर्मेंस है, कैसे हैंडल कर पाता है इसका स्नैपड्रैगन 765G। सो लेट्स गो, यहाँ पर चनॉक में बूट कैम्प ड्रॉप करते हैं। और ये जो आर पीस आप देख रहे हैं ना, तो अभी अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा आर पीस आपको दिखेंगे नहीं, बट अब चलो जंप करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि कैसे चल रहा है इसका परफॉर्मेंस। अभी भी आप देख सकते हो जंप करने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं था, अब जंप करने के बाद सीधा 40-47 एक बार आया था, बट लेट्स सी अभी और आके नीचे जाके नीचे उतरने के बाद, वैसे भी मरना ही है यार, उसमें कुछ नई बात नहीं है, बट एज आई सेड यहाँ पर अगर हम फ्रेम रेट पे ही कॉन्सेंट्रेट करें तो बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी फ्रेम रेट्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन थे, 45 अब आ गया 36 पर एक बार, एंड फिर भी वापस से स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। और जब हमने इसका ना नॉर्मल टेस्ट किया था स्मूथ और अल्ट्रा विदाउट GFX एंड विदाउट एनी 60 FPS का, तो वहाँ पर 40 में तो कभी दिक्कत नहीं थी, 40 FPS वॉज वेरी वेल मेंटेन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब वो 60 दे रहा है तो एक ही बार तो गिरने के चांस रहेंगे ही, लेट्स सी। कुछ तो हुआ और मैं मर गया, और यहाँ पर फ्रेम रेट्स भी थोड़े से ड्रॉप हो रहे थे, बट ठीक है अब आगे जाते हैं, फिर से एक बार चनॉक बूट कैम्प ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इस बार कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, इस बार कम से कम वो उसको मेंटेन करेगा या नहीं। वैसे ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे गाइस, अगर हम देखें इसको फ्रैंकली, मैं इसको कंपेयर करूँ अगर थोड़े फ्लैगशिप्स के साथ जो स्नैपड्रैगन 855 और 855 प्लस के साथ थे, तो उसमें भी इतना तो परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, मतलब फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े तो होते हैं जो इसमें हो रहे हैं। मगर मैं फिर से एक स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का एक बूट कैंप टेस्ट प्रॉपर वाला करके आपको दिखाऊंगा, उसमें जब हम चार बंदे साथ में उतर रहे हैं और कम से कम 20-25 बंदे साथ में लॉबी में होते हैं, मतलब जो बूट कैंप में उतर रहे हैं, तब उसका अलग से एक पूरा प्रॉपर टेस्ट करूंगा जब टाइम मिलेगा। अभी के लिए बस मुझे ये दिखाना था कि ऑफिशियली यहाँ पर स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर भी आपने देखा 2-3 बार तो यहाँ पर 30s-40s में चला गया था फ्रेम रेट, बट ठीक है फिर भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि बहुत ख़राब था परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं मिलिट्री बेस में ड्रॉप, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रेम रेट्स में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट लेट्स सी अब आगे जाके कैसे चल रहा है इसका परफॉर्मेंस।
हम मर गए। और हाँ, फिर भी ठीक ठाक था, परफॉर्मेंस इतना ख़राब नहीं था। और जैसे मैं कह रहा था यार कि मेरा गेम प्ले ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और हैंड कैम यूज़ करता हूँ तो वो भी थोड़ा दिक्कत देता है, बट ठीक है, लेट्स नॉट गो फॉर एक्सक्यूजेस। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस अगर फ़ोन का देख रहे हो तो ज़्यादा ख़राब नहीं था, काफ़ी अच्छा था। अब मैं यहाँ पर जल्दी से इसका फ्रेम रेट टेस्टर जो है, मतलब गेम बेंच, उसको ऑफ़ करता हूँ, आपको एक बार मेट्रिक्स दिखा दूँ ताकि पता चले आपको कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस। और यहाँ पर आप अगर देख सकते हो तो 59 FPS वॉज द मीडियन, मतलब 60 के आसपास ही था, और 90% टाइम वहीं पर था। और वो 10% क्या होता है, जब भी आप मैच कर रहे हो या लॉबी में हो तो वो फ्रेम ड्रॉप जो कम होता है ना, फ्रेम रेट्स, तो वो इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। नहीं तो मीडियन FPS वॉज 59, विच वॉज नॉट बैड एट ऑल। सो दैट्स इट, ये था एक क्विक 60 FPS का ऑफिशियल 60 FPS स्मूथ एक्सट्रीम टेस्ट ऑन वन प्लस नॉट। इसके और हम सेनॉक बूट कैंप टेस्ट करेंगे जल्दी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को लाइक करना भूले, इस वीडियो को शेयर करना भूले, और सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को। कीप द जोश हाई, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।